स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे तरबूज की एक बिल्कुल यूनिक रेसिपी बनाएंगे, क्योंकि गर्मियों का मौसम है तो बहुत से बच्चे तरबूज खाना पसंद नहीं करते हैं, कुछ ही बच्चों को पसंद आता है। तो क्यों ना तरबूज को हम कुछ इस तरह से उसकी कुछ रेसिपी बनाएं यूनिक तरह से कि सभी बच्चे उसको पसंद करें। तो आज हम बनाएंगे वाटरमेलन चुस्की, यानी कि तरबूज की चुस्की। पर उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल ट्रिपल डिलाइट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज उसे जरूर सब्सक्राइब करें, और बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो तरबूज की चुस्की बनाने के लिए सबसे पहले चलिए हम किचन में चलते हैं और इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। वाटरमेलन चुस्की बनाने के लिए यहाँ पे हमने तरबूज लिया हुआ है, और इसके हमने जो इस बीजे होते हैं तरबूज के वो हमने निकाल दिए हैं, और बहुत ही सिंपल है बनाना। और साथ ही साथ हमने ये शुगर ली है, आप चाहें तो शुगर की जगह हनी का भी यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं चुस्की बनाना। तो सबसे बहुत ही सिंपल प्रोसेस है चुस्की के लिए, सबसे पहले ग्राइंडर में हम ये एक एक करके इसके पीसेस डालेंगे तरबूज के, इन सभी को अच्छे से हमें बिल्कुल ग्राइंड करना है। और बच्चे तो बेहद, वैसे भी बच्चों को गर्मियों में चुस्की वगैरह बहुत ही पसंद आती है, बहुत पसंद करते हैं खाना, तो इसलिए हम यहाँ पे चुस्की आज बना के दिखाते हैं। और साथ ही साथ ये मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी है, आप इसमें हनी का भी यूज कर सकते हैं। तो इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये हमने ग्राइंड कर लिया है, अब इसे हम एक बर्तन में अलग पहले हम स्ट्रेन कर लेंगे, इस तरह से हम एक अलग बर्तन में निकाल लेंगे, क्योंकि वैसे तो हमने सारे बीज तरबूज के निकाल दिए थे, फिर भी अगर कुछ हल्के से मोटे से कुछ तरबूज के टुकड़े या कुछ रह जाते हैं तो वो सभी एकदम अलग छन जाएंगे इससे। ये बिल्कुल बढ़िया तरह से एकदम ग्राइंड हुआ है, बिल्कुल भी इसमें एक भी हल्के से भी पार्टिकल्स नहीं है सब कुछ के। तो ये चुस्की बनाने के लिए जूस निकाल के हमने रेडी कर लिया है, ये बिल्कुल बढ़िया लग रहा है एकदम। तो अब इसे हम कुल्फी मोड्स में, ये चुस्की बनाने के लिए ये मोड्स हमने लिए हुए हैं। और मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, अगर बाई चांस आपके पास ये नहीं है इस तरह के, तो जो डिस्पोजल ग्लास होते हैं या छोटे छोटे कप्स आते हैं कॉफी के, आप उसमें भी इसको बना सकते हैं इजिली। इस तरह से एक एक उसमें हम ये फिल कर देंगे। देखिए हमने मोल्स में इसको भर दिया है, और साथ ही साथ ये दो डिस्पोजल ग्लास है उसमें भी मैंने रखी हुई है। और अब मैं इनको कम से कम 8 घंटे के लिए हम इसको फ्रीजर में रख देंगे, तो ये अच्छे से एकदम जम जाएगी। और इसके इस पे मैं ये कवर इसका लगा देती हूँ, इस तरह से एक एक करके सारे कवर में इसको कवर कर देती हूँ। और बहुत ही टेस्टी लगती है, आप बच्चों के लिए एक बार इसे गर्मी में जरूर ट्राई करें। और इनको मैं इस तरह से भी फ्रीजर में रख दूंगी, और साथ ही साथ ये जो ग्लास में मैंने रखा हुआ है तो इसमें ये आइसक्रीम स्टिक है, इसे हम अभी नहीं लगाएंगे, कम से कम पहले 2 से 3 घंटे के लिए इसको हल्का सा हम इसको फ्रीजर में रख के, इसको जब ये हल्की सी जम जाएगी उसके बाद हम इसमें स्टिक आसानी से लगा देंगे। तो इनको हम रख देते हैं फ्रीजर में, और 9 घंटे बाद हम इसे फ्रीज से हमने निकाला हुआ है फ्रीजर से, और ये वाटरमेलन चुस्की बन के रेडी हो गई है। तो इसे 1 मिनट के लिए हमने प्लेन वाटर लिया हुआ है, तो 1-2 सेकेंड के लिए हम इसको हल्का सा डिप कर लेंगे ताकि ये इजिली मोल्ड से बाहर आ जाएगी। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया एकदम चुस्की, एकदम देखिए कितनी बढ़िया लग रही है देखने में, और वाटरमेलन चुस्की बनके रेडी हो गई है। और साथ ही साथ ये देखिए मैंने इसमें डिस्पोजल वाले ग्लास में जो रखी हुई थी ये भी बिल्कुल बढ़िया एकदम जम गई है। और मैंने इसमें, आपको याद होगा मैंने स्टिक इसमें तुरंत नहीं लगाई थी,
तो 2-3 घंटे के बाद जब हल्का सा ये जम गई तब हमने इसमें स्टिक लगाई है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। हम फिर मिलेंगे आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।